नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक और नए वीडियो में स्वागत है। और साथियों, जिस प्रकार से आप सबको पता ही है कि HDP 2023-24 के एडमिशन के लिए फर्स्ट काउंसलिंग नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, यानी कि फर्स्ट काउंसलिंग हो चुकी है। और इसके एडमिशन जो है साथियों 24 तारीख से लेकर 29 तारीख तक होने हैं, और इसकी सूचना मैंने आपको बता दी है। अलॉटमेंट लेटर कैसे डाउनलोड करना है वो भी मैंने इसे जस्ट पिछले वीडियो में बता दी है। और अब मेन बात आ रही है साथियों परफॉर्मा की। तो परफॉर्मा कहाँ से मिलेगा? तो साथियों, जहाँ से आपने अपना जो अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड किया है वहाँ से आप अपना परफॉर्मा भी डाउनलोड कर लेवे। और इसके अलावा आपको हमारे वेट एग्रो ज्ञान टेलीग्राम चैनल पर भी परफॉर्मा मिल जाएगा, पूरा का पूरा PDF। तो वहाँ से भी आप इसको प्राप्त कर लेवे, वेट एग्रो ज्ञान जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से। ठीक है साथियों, अब परफॉर्मा को कैसे तैयार करना है, कहाँ पर क्या भरना है, पूरे जो पांच परफॉर्मा है साथियों, इन पांचों ही परफॉर्मा के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी बता रहा हूँ कि कौन सा क्या कहाँ कैसे भरना है। ठीक है साथियों, तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। तो लीजिए साथियों, शुरू करते हैं आज के वीडियो को और अपने सभी साथियों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो साथियों, परफॉर्मा कैसे डाउनलोड करना है मैंने आपको बता दिया है कि कहाँ से मिलेगा। तो अभी साथियों स्क्रीन पर आप ये देख सकते हो कि ये परफॉर्मा ऑफ एफिडेविट फर्स्ट, ये सेकंड, और ये थर्ड, एंड ये फोर्थ है, और ये फिफ्थ है। अब इनमें से साथियों जो ऊपर के जो चार परफॉर्मा है ये कंपलसरी है, ये सबको ही भरने हैं। ठीक है साथियों, सबको ही साथ में एडमिशन के समय ले जाने हैं। जो डॉक्यूमेंट आप लेकर जाओगे एडमिशन के समय उसके साथ में आपको परफॉर्मा भी लेकर जाना है। तो सबसे पहले परफॉर्मा नंबर 1, इनकी आपको जो है प्रिंट निकलवा लेनी है। परफॉर्मा नंबर 1, 2 और फोर्थ नंबर, ये चार परफॉर्मा आपको निकलवा लेना है इसकी डायरेक्ट प्रिंट, और इसको आपको भरना है। तो सबसे पहले नंबर वाला जो परफॉर्मा है साथियों, परफॉर्मा ऑफ एफिडेविट फर्स्ट, तो ये डिक्लेरेशन बाय द स्टूडेंट, ये मतलब कि स्टूडेंट के द्वारा डिक्लेयर किया जा रहा है कि मैं यहाँ पर जो भी इंस्टीट्यूट है वहाँ पर एडमिशन ले रहा हूँ। तो आपको सबसे पहले आपका अपना फुल नेम भरना है कि आई सन ऑफ डॉटर ऑफ मिस्टर मिसेज, जो भी आपका पिता पति जो भी आपका जो भी नाम है वो भरना है। उसके बाद में एडमिटेड टू, यानी कि जो आपका जहाँ पर जो कॉलेज मिला है, आपको जो कॉलेज मिला है उस कॉलेज का नाम लिखना है, और फिर ऐसा का पूरा पूरा ये आपको रहने देना है। और जिस भी दिन आप ये परफॉर्मा भरते हो, जिस दिन आप एडमिशन लेने जाते हो, उस दिन की यहाँ पर आपको डिक्लेयर दिस डे मंथ और ईयर आपको डेट लगा देनी है, और यहाँ पर आपको सिग्नेचर कर लेने हैं और अपना नाम लिख देना है, अपना खुद का ये सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट, यानी कि ये परफॉर्मा स्टूडेंट के नाम से भरा जाएगा। आपका नाम, पिता का नाम या फिर अभिभावक पति जो भी, और इंस्टीट्यूट का नाम और डेट। ठीक है साथियों, परफॉर्मा नंबर 1 हो गया कंप्लीट। ये आपको डायरेक्ट प्रिंट निकलवा के इसको डायरेक्टली भरना है, किसी भी तरह के कोई भी जो स्टाफ है वहाँ पर नहीं करना है। दूसरा परफॉर्मा है ये आपका पेरेंट या फिर गार्जियंस का होगा, जिसमें आपका पापा का या फिर गार्जियंस का नाम और उनके जो भी है आपका, जैसे कि पेरेंट्स, गार्जियंस, फादर, मदर, गार्जियंस। ठीक है साथियों, और आपका फिर सेकंड नंबर में स्टूडेंट का नाम आ जाएगा। ठीक है साथियों, यहाँ पर आपके पिताजी का या फिर अभिभावक का नाम, और दूसरे में आपका देखिए साथियों फुल नेम ऑफ स्टूडेंट ये आ जाएगा, फिर आपका वापस इंस्टीट्यूट का नाम आ जाएगा सेकंड परफॉर्मा, और नीचे वापस वो का वही डेट और सिग्नेचर आ जाएगा, पेरेंट्स या गार्जियंस का नाम और एड्रेस और टेलीफोन नंबर। ये हो गया सेकंड नंबर परफॉर्मा। ठीक है साथियों, सेकंड नंबर परफॉर्मा ध्यान से देखना साथियों, फर्स्ट और सेकंड तो हो गए डायरेक्ट जो A4 साइज का पेज होता है उस पर प्रिंट निकलवाने के बाद में डायरेक्ट उसमें ही बनाना है। अब ऐसा तो मेन थर्ड परफॉर्मा, परफॉर्मा ऑफ एफिडेविट, इस परफॉर्मा को आपको ₹50 का जो स्टाम्प पेपर होता है वहां पर लिखवा के फिर भरना है। स्टाम्प पेपर होता है उस पर आपको टाइप करवाना है फिर उसको भरना है। ये देखिए साथियों कि HDP पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले
सभी अभ्यर्थियों को आवश्यक रूप से ₹50 राशि के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करना है। ठीक है साथियों, तो आपको करना क्या है कि ये जो शपथ पत्र है, शपथ पत्र पर ये यहाँ से लेकर, इस शपथ पत्र से लेकर मैं से शुरू करना है, जो आपको यहाँ नीचे तक ये हस्ताक्षरित शपथ ग्रहीता यहाँ तक आपको ये पूरा पूरा प्रिंट करवा लेना है, उसके ऊपर टाइप करवा लेना है, फिर उसको भर देना है पेन के माध्यम से। तो यहाँ पर फर्स्ट में आपका नाम आ जाएगा स्टूडेंट का कि मैं एक्स वाई जेड पुत्र पुत्री ABC प्रवेश साथी का नाम, पिता का नाम, आयु, निवासी, पोस्ट, तहसील, जिला, राज्य, शपथ पूर्वक बयान करता हूँ या करती हूँ कि 2023-24 में 55 डिप्लोमा पाठ्यक्रम में कॉलेज का नाम लिखना है यहाँ पर। ठीक है साथियों, फिर पूरा का पूरा ये ऐसा कंप्लीट करके नीचे वापस यही सत्यापन, ठीक है, शपथ जो हस्ताक्षर शपथ ग्रहीता है उसका नाम लिखना है और ये आपको कंप्लीट करवा लेना है। ठीक है साथ, तो नोटरी करवानी है, इसको कंप्लीट नोटरी करवानी है, ये आपको ₹50 के स्टाम्प पेपर पर करवाना है। ठीक है साथ, तो ये हो गया थर्ड परफॉर्मा। जो फोर्थ परफॉर्मा है साथ, तो ये हेल्थ सर्टिफिकेट है, जो आपके क्षेत्र के जो गवर्नमेंट ह्यूमन डॉक्टर है, मनुष्य का जो डॉक्टर है ह्यूमन डॉक्टर, उसके द्वारा ये आपका अपना हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाना है। जो डॉक्टर बनवाएगा आपकी जो डिटेल से बायोडाटा है उसके अनुसार। ठीक है साथियों, ये हेल्थ सर्टिफिकेट आपका खुद का अपना अपने ह्यूमन डॉक्टर्स के माध्यम से बनवाना है, जो गवर्नमेंट अधिकारी हो उसके द्वारा। ठीक है साथियों, ये हेल्थ सर्टिफिकेट का, और नीचे सिग्नेचर एंड सील ऑफ मेडिकल जर्नलिस्ट, जो आपका चेकअप वगैरह जो भी करता है वो कंप्लीट। ठीक है साथियों, और सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट हो जाएगा, प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ जहाँ पर आपके चेकअप की गई है, और डेट ये हो जाएगा। और पांचवा जो परफॉर्मा है साथियों, ये केवल OBC आवेदकों के लिए है, जो OBC के कैंडिडेट्स हैं, OBC कैटेगरी के, उनके लिए है कि OBC आवेदकों के लिए जिनका जातीय प्रमाण पत्र आवेदन के अंतिम दिनांक से 1 वर्ष से ज़्यादा पुराना है, अगर आपका जो जातीय प्रमाण पत्र है साथियों वो 1 साल से ज़्यादा पुराना है, तो आपको ये शपथ पत्र भरना है। ठीक है साथियों, इसको किसी भी स्टाम्प पेपर पर नहीं करना है, केवल आपको इसको भरना है प्रिंट निकलवा के, ताकि जो आपका OBC का जो जाति प्रमाण पत्र है उसका पुराना हो तो ये भरना है। अगर आपका 1 साल से पुराना नहीं है, जिस दिन आपने आवेदन किया है उस दिनांक से लेकर 1 वर्ष से ज़्यादा पुराना नहीं है तो चल जाएगा, अगर पुराना है तो आपको ये परफॉर्मा साथ में भरना है पाँचवें नंबर का OBC कैंडिडेट्स को, चाहे लड़का हो या फिर लड़की हो, ये आपको भरना है। और अगर आपका नया जाति प्रमाण पत्र होगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं चलेगा। तो ये भी आपको भरना है, जिसमें आवेदक का आधार नंबर है, मुखिया का भामाशाह कार्ड, जो भी डिटेल्स है वो आपको इसमें फिल करनी है। ठीक है साथियों, और ये हो जाएगा पूरा का पूरा कंप्लीट। ठीक है साथियों, परफॉर्मा नंबर एक स्टूडेंट्स का है, दूसरा अभिभावक या पेरेंट्स का है, तीसरा जो स्टाम्प पेपर पर आपको करवाना है, और चौथा हेल्थ सर्टिफिकेट है, और पांचवा OBC कैंडिडेट्स के लिए हैं। पांचवें परफॉर्मा मैंने आपको समझा दिए हैं, कहां पर मिलेंगे, कहां से डाउनलोड करना है, क्या करना है, प्रिंट निकला के भरना है, केवल जो थर्ड नंबर का परफॉर्मा है उसको स्टाम्प पेपर पर करवाना है, नोटरी करवानी है, और इन सभी डॉक्यूमेंट्स को साथ में लेकर जाना है एडमिशन के समय। ये तो हो गए साथियों परफॉर्मा, और अदर जो डॉक्यूमेंट है वो आपके अलॉटमेंट लेटर पर भी लिखे हुए हैं, और बाकी वीडियो बना रखी है, जाके देख लेना डॉक्यूमेंट्स के, और इसके बाद में उसी की वीडियो आएगी डॉक्यूमेंट्स की। ठीक है साथियों, और फीस का भी मैंने बता रखा है, PDF डाल रखी है, जाके देख लेना, और भी कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये फर्स्ट काउंसलिंग हुई है, इसी तरह से सेकंड थर्ड सेम होगा पूरा परफॉर्मा। ठीक है साथियों, और आशा है कि आज के ये वीडियो आपको पसंद आई हो, तो लाइक एवं शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।